नंबर टू देखते हैं ब्रांच अकाउंट का। ब्रांच यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड ने 1 जनवरी 2011 को अपनी एक शाखा रायगढ़ में खोली। हेड ब्रांच जो है मुंबई टेक्सटाइल हो गया। निम्न विवरणों से वर्ष 11 एवं 12 के लिए रायगढ़ शाखा खोलिए। पहले आप 11 का बनाइए फिर 12 का बनाइएगा, ठीक है ना। आइए नहीं तो आप एक साथ ही कर सकते हैं, ये इन द बुक्स ऑफ मुंबई टेक्सटाइल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ मुंबई टेक्सटाइल लिमिटेड। आपको खोलना है रायगढ़ ब्रांच अकाउंट। एक साथ कर लेते हैं। तो 2011 है और 2012 है, 2011 है 2012 है, ठीक है ना। टू यहाँ पर एक नई बात क्या है कि ओपनिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो 2012 का जो है क्लोजिंग है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 11 का लास्ट का क्लोजिंग दिया हुआ है आपका कि स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, पेटी कैश ऑन 31 दिसंबर। तो जो 11 के अंत में है वह 12 के लिए तो ओपनिंग कहलाएगा ना, तो जो इस वर्ष का क्लोजिंग है 12 के लिए क्या करेंगे हम, ओपनिंग में डाल देंगे हम स्टॉक एंड पेटी कैश। आइए तो टू ओपनिंग स्टॉक ये कितना क्लोजिंग है, ये 7000 है और टू पेटी कैश 120 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है गुड सेंड टू रायगढ़, गुड सेंड टू रायगढ़ कितना 45000 यहाँ है और फिर यहाँ है 135000। शाखा को रोकर भेजी है, खर्चा हुआ है टू कैश अकाउंट, रेंट के लिए रेंट है 6000, यहाँ भी 6000, इस ब्रांच को भी 6, इस साल भी 6000, ऐसे भी रेंट तो फिक्स ही होता है। इसके बाद सैलरी है, सैलरी 4800-6800। अदर एक्सपेंस 2000-3000 और कुछ नहीं है। इधर इधर आइए, इधर दिया हुआ है कैश रिसीव्ड 70000-160000, 70000-160000 और कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 7000 और ये 26000, पेटी कैश क्लोजिंग है, पेटी कैश क्लोजिंग है 120-260। इसमें नई चीज क्या थी, इस वर्ष का जो है ना क्लोजिंग 11 का क्लोजिंग 12 के लिए ओपनिंग बन गया और कुछ नहीं है। इसका ओपनिंग दिया हुआ नहीं है 11 का, लेकिन जो 11 का क्लोजिंग है ना वह 12 के लिए ओपनिंग बन जाएगा और तो कुछ खास नहीं है इसमें। अब आप सबको बैलेंस कर लीजिए, इसको जोड़ने से ये होता है 77120, और इसको जोड़ने से होता है 186280, 77120, 186280। अब इसको इसमें हम घटा देंगे तो जो आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट, ठीक है।
ये 19,320 हो जाता है। और इसको यदि हम घटाते हैं जोड़ के इसमें, तो ये होता है 28,340। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में।